नमस्कार मित्रों, रिवर क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सोनू। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैग्नेट के बारे में। देखिए, मैग्नेट, इसको हम हिंदी में कहते हैं चुंबक। आप लोगों ने बहुत से नाम सुने होंगे चुंबक की, चुंबक चुंबक चुंबक। तो मैग्नेट बेसिकली होता क्या है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जो भी मैग्नेट हमने देखा होगा, हमेशा वो वस्तुओं को अट्रैक्ट करता है, वस्तुओं को रिपल भी करता है। तो रिपल कैसे करता है, अट्रैक्ट कैसे करता है, आज उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम मैग्नेट का डिफिनेशन दें सिर्फ, तो मैग्नेट का डिफिनेशन क्या होगी, ऐसा पदार्थ या ऐसा मटेरियल जो अपनी तरफ वस्तुओं को अट्रैक्शन करने का गुण रखता हो, अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन दोनों का करने का गुण रखता हो, उसी को हम मैग्नेट कहते हैं। फिर से एक बार हम कहना चाहेंगे आपको, ऐसा मटेरियल या फिर ऐसा पदार्थ जो अपनी तरफ वस्तुओं को आकर्षण या प्रतिकर्षण मींस अट्रैक्शन व रिपल्सन करने का गुण रखता है, उसे हम मैग्नेट कहते हैं। अब मैग्नेट के हम प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल मैग्नेट मींस प्राकृतिक चुंबक, एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट मीन्स कृत्रिम चुंबक। देखिए, जो नेचुरल मैग्नेट होता है वो ईश्वरीय कृपा होती है, मीन्स कह सकते हैं कि गॉड गिफ्टेड होता है, भगवान ही देन होता है। और जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है वो इंसान जैसे हम लोग बनाते हैं। तो जो नेचुरल मैग्नेट होता है बेसिकली वो Fe3O2 मीन्स आयरन ऑक्साइड के बने होते हैं, और जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं वो आयरन, स्टील और कोबाल्ट जैसे पदार्थों से बनते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट में अंतर क्या है, तो अंतर कुछ खास नहीं है। दोनों का काम होता है कि वस्तुओं को अट्रैक्शन या रिपल्सन करना। जो काम ये करेगा एज इट इज काम ये भी करेगा, वही जो नेचर इसके अंदर है सेम टू सेम नेचर उसके अंदर भी है। बस अंतर ये है कि ये जो मैग्नेट होते हैं नेचुरल मैग्नेट, ये हम कह सकते हैं कि हम अपने आप नहीं बनाते, ये बने बनान होते हैं, भगवान ही देन हो सकते हैं कह सकते हैं हम। और जो आर्टिफिशियल होते हैं उनको हम बनाते हैं, ठीक ना। अब ये रहा मैग्नेट और मैग्नेट के टाइप्स के बारे में, तो हम मैग्नेट को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, एक हम मैग्नेट बना रहे हैं उसके बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए, हमने किया क्या कि एक हमने मैग्नेट बनाया। आपको ये बताना चाहूंगा कि चाहे आर्टिफिशियल मैग्नेट हो चाहे नेचुरल मैग्नेट हो, उस मैग्नेट के एंडिंग पॉइंट में मींस दोनों तरफ एंडिंग पॉइंट में दो पोल्स होते हैं, मींस दो ध्रुव होते हैं। तो एक तरफ होता है N ध्रुव और दूसरी तरफ होता है S ध्रुव। N को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और S को बोलते हैं हम साउथ पोल। देखिए, नॉर्थ और साउथ में बात क्या है, नॉर्थ का तात्पर्य है कि नॉर्थ से यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलते हैं, मीन्स कह सकते हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स मीन्स चुंबकीय बल रेखाएं निकल के नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाती हैं, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं जो मैग्नेट है ये इसके नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल होता है वहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और साउथ पोल में इंड करती हैं, मीन्स वहां पे प्रवेश करती है। फिर उसके बाद जब ये ऐसे यहाँ से एंट्री करती है तो ये पुनः ऐसे होते हुए फिर ये आती है नॉर्थ के पास, फिर ऐसे क्या करती है भ्रमण करती है, मीन्स ऐसे राउंडिंग राउंडिंग घूमती रहती है। तो जो मैग्नेट का हमने स्ट्रक्चर बनाया इसमें बस इतना बताने के लिए बनाया कि मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं एन व एस, और एन से चुंबकीय बल रेखाएं निकल के एस की ओर एंट्री करती है, ठीक। अब इसमें दो पॉइंट्स हमने लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमने लिखा है, मीन्स चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाएं। तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है,
अगर हम चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाओं के डिफिनेशन दें, तो हम देखिए पहले हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की। तो देखिए जब यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं तो इनका एक क्षेत्र बनता है, मीन्स इनका कवरेज एरिया बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जो अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षण करने का गुण रखता है उसे को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र है, यदि इस क्षेत्र के अंदर कोई भी वस्तु आएगी तो इस चुंबक में अट्रैक्ट हो जाएगी, मीन्स उसके टच में आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जिसमें चुंबकीय गुण हो, मीन्स वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्शन करने का गुण रखे, उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद नेक्स्ट आता है चुंबकीय बल रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो जिनके पास वस्तुओं को अट्रैक्शन करने का बल होता है उसे हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। देखो ये नॉर्थ पोल से जो रेखाएं निकल रही ना, इन्हें को हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। या फिर एक और अच्छे वे में हम परिभाषा दे सकते हैं कि किसी ध्रुव से निकलकर, एक ध्रुव से निकलकर दूसरे ध्रुव में जाने वाली रेखाओं को हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम चुंबकीय क्षेत्र की डिफिनेशन दें दूसरे वे में, तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं से बने हुए क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो हमने देखा कि जो चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो हमने हेडिंग के आधार पर भी उनकी परिभाषा बना दी और इस यहाँ से भी हमने परिभाषा बना दी। तो एक बार मैं फिर रिकॉल करना चाहूंगा आपको, पहले तो चुंबकीय क्षेत्र को, तो यदि हम इसके अकॉर्डिंग हम डिफिनेशन दें या फिर इनके अकॉर्डिंग डिफिनेशन दें तो कैसे देंगे। ऐसा क्षेत्र जिसके पास वस्तुओं को अट्रैक्शन करने का गुण होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, या फिर चुंबकीय बल रेखाओं से बने हुए क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद आता है चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है। ऐसी रेखाएं, देखिए उल्टा चलते हैं, ऐसी रेखाएं जिनके पास वस्तुओं को आकर्षण करने का बल होता है उन्हें चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। या फिर कि ध्रुव से, एक ध्रुव से निकलकर दूसरे ध्रुव में जाने वाली रेखाओं को हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो ये चुंबक से संबंधित हमने ये टॉपिक पढ़ा, कि हमने पढ़ा कि चुंबक क्या है, चुंबक के टाइप से पढ़ा, और नेचुरल किससे बनते हैं, आर्टिफिशियल किससे बनते हैं, और चुंबक का हमने स्ट्रक्चर बना के दिखाया कि उसमें कितने पोल्स होते हैं। तो चुंबक में दो पोल्स होते हैं, एन व एस होते हैं। उसके बाद ये बहुत ही मैग्नेट मैग्नेट से संबंधित ये चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाएं बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं, बच्चे को अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो इसको भी हमने डिस्कस किया। अब जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि जब दो चुंबकों को संपर्क मिलाते हैं तो उनके बीच कभी कभी वो दूर भागते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि वो अट्रैक्ट होके पास चले जाते हैं। तो होता क्या है, जैसे मान लेता हूँ हमने दो चुंबक लिया, ठीक ना, तो इसमें भी एन वा एस ध्रुव है, और एक दूसरा चुंबक लिया इसमें भी एन वा एस ध्रुव है। तो देखो ये अट्रैक्ट कब होंगे, जब इनके विपरीत विपरीत मीन्स अपोजिट पोल्स जब पास में आते हैं तब इनके बीच अट्रैक्शन होता है। देखो हम कह सकते हैं कि जब अपोजिट पोल्स होंगे तब इनके बीच अट्रैक्शन होगा, ठीक है। यदि सेम सेम पोल होंगे तब इनके बीच रिपल्सन होता है। तो यदि हम दो चुंबकों को, कभी कभी होता है कि हम लोग देखते हैं दो चुंबकों को पास मिलाते हैं तो उनके बीच कभी कभी अट्रैक्शन हो जाता है, कभी कभी दूर भागते हैं। तो अट्रैक्शन तब होगा जब उनके जो पोल्स, जैसे साउथ और नॉर्थ, ये जब पास में आएंगे, या फिर नॉर्थ साउथ जब पास में आएंगे तब उनके बीच अट्रैक्शन होगा। अगर नॉर्थ नॉर्थ टच में आ रहे हैं या फिर साउथ साउथ टच में आ रहे हैं तब जाके उनके बीच रिपल्सन होता है। तो अपोजिट पोल्स में अट्रैक्शन होगा जबकि सेम पोल्स में रिपल्सन होता है। तो ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि कब कब रिपल्सन होता है, कब कब अट्रैक्शन होता है। तो बस आपको इतना जानना है कि जब उनके जो पोल्स है वो अनचेंज होंगे, मीन्स चेंज सॉरी चेंज होंगे, नॉर्थ साउथ होंगे तभी उनके बीच अट्रैक्शन होगा, अगर साउथ साउथ है नॉर्थ नॉर्थ है तब उनके बीच रिपल्सन होता है। तो मैग्नेट से संबंधित आज हम इतना ही बात करेंगे, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और रिवल क्लासेस को आपको बढ़ाने आप कृपा करेंगे कि रिवल क्लासेस और भी बढ़े। बस आपसे यही प्रार्थना यही आशना है, बस आप अपना आशीर्वाद बना के रखें और इसको रिवल क्लासेस को और भी आगे बढ़ाना है आपको। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।